नमस्कार, मैं मदन लाल और आप देख रहे हैं हमारा राजस्थान न्यूज। राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र डूंगरपुर के बिछीवाड़ा क्षेत्र में भील आदिवासियों की आदिकाल से परंपरा रही है कि गांव के समस्त प्राणियों की रक्षा और सुख शांति के लिए पूरे वर्ष में विभिन्न पापों के माध्यम से आई बुराइयों अर्थात बुरी आत्माओं को गाँव के पुजारी कोटवाल और ग्रामीण रथ निकाल कर गाँव से दूर करते हैं और आत्माएँ बुरा प्रभाव न डाले उसके लिए मुर्गे की बलि सहित महुआ रस मीठे भोज की भी आहुति दी जाती है। आइए देखते हैं ये स्पेशल रिपोर्ट। गांव के वडील वान पुजारी बताते हैं कि उनके पूर्वज आदिकाल से आदिवासी संस्कृति और परंपरा अनुसार यह रथ यात्रा भाद्रपद के शुक्ल पक्ष से शनिवार के दिन संपूर्ण गांव के वान पुजारी व कोटवाल मिलकर मंडेल पूजा पाठ करते हैं और वहाँ पूजा पाठ से सोकी यानी वास्तु प्रसाद को पूरे गाँव के घरों में दी जाती है। दूसरे दिन रविवार सुबह गांव के लोग उस शोकी वास्तु प्रसाद से पूरे घर और पशु प्राणी पर उतार करके गांव के ऊपरी भाग यानी स्थान पर इकट्ठे हो जाते हैं और रथ में रख देते हैं और आदि धर्मानुसार पूजा अर्चना की जाती है। रथ यात्रा को रवाना किया जाता है और रथ गांव के बाहर तक छोड़ मुर्गे की बलि दी जाती है। आदि धर्मानुसार भील आदिवासियों की मान्यता है कि ऐसा करने पर गाँव में पनपी बुरी आत्माएँ रथ पर सवार होकर चली जाती है और घर परिवार व पूरे गांव में सुख समृद्धि और शांति आ जाती है। गांव के वडील बताते हैं कि आदिकाल से लेकर बीते 3-4 दशक पहले रथ यात्रा न निकाल पूरे गांव के पशुओं की यात्रा निकाली जाती थी। तब पशुओं के माध्यम से गांव से बुरी आत्माओं को भगाया जाता था, लेकिन इतना छोटा रास्ता नहीं होने की वजह से पशुओं को न लाकर रथ यात्रा निकाली जाती है। दक्षिण राजस्थान में लगभग 80% भील निवास करते हैं जिनकी अपनी आदिकाल की परंपरा और संस्कृति को बनाए हुए हैं। આપણે આદિવાસી ને ક્યાં તો વર્કશોપ માં આલી દઈએ આ પકલી વાળી ને બીજું કરીએ આ સંસ્કૃતિ હે આપડે જો ભૂલી ગયા તો કઈ નહીં થાય કે તો વતાડવું ભી થાય પણ એમ પણ એ લાવે ભૂલી ગયા હતા ગામમાં પકલી